हेलो एवरीवन, रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ इस मैजिक मॉप यानी कि बकेट मॉप की वीडियो शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और इसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग झाड़ू यानी कि ब्रूम की वीडियो लेकर आऊँगी, तो हियर इट इज़। तो ये है हमारी स्पॉट ज़ीरो की योगा ब्रूम। अब इसे योगा ब्रूम क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो देखिए, कुछ इस तरह से पैक होकर ये आती है। इसके जो भी फीचर्स हैं वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है ज़ीरो डस्ट ब्रूम। यानी कि जब भी हम कोई नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, पहले एक हफ्ता तो उसके अंदर से ही डस्ट निकलती है। वो घर को क्या साफ करे, उल्टा वो और ज़्यादा गंदा करती है। तो इस झाड़ू में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और इवन आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। और बाकी जो भी इसकी क्वालिटीज़ और फीचर्स हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो उससे पहले हम अपनी झाड़ू पर एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ इस तरह से पैक होकर ये आती है। मैंने ये लोकल शॉप से ही परचेज़ की है और वहाँ पर भी वो लोग इसे ओपन करके नहीं दिखाते हैं। इसे चेक करने के लिए इस तरह से इसमें होल दिया गया है, जिससे आप इसके जो फैदर्स हैं या फिर जो भी प्लास्टिक की आगे स्टिक्स हैं उसे आप फील कर सकते हैं। दोनों साइड इस तरह से होल दिया गया है, आप उससे इसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें थोड़ा सा डाउट तो होता ही है। और इसका MRP भले ही 350 रुपीज़ है, लेकिन मुझे ये लोकल शॉप पर 180 रुपीज़ की मिली है। और जितने भी इसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से 180 रुपीज़ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इसका प्राइस है। और लीजिए, हमारी ब्रूम अनबॉक्स हो गई है। तो कुछ इस तरह से ये दिखती है, जिस तरह से हमारे हेयर में जो लेयर वाला कट होता है ना, कुछ इसी तरह से इसका कट है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करती है। और इसका क्लोज लुक आप देखिए कि इसकी जो स्टिक्स हैं वो किस तरह से हैं, प्लास्टिक की बनी हुई है ये। और इस तरह से इसका हैंडल है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और इसकी लेंथ आप बढ़ा भी सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से ये बुनी हुई है। जब हम नॉर्मल झाड़ू को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्टिक्स निकलने लग जाती हैं, लेकिन इसमें आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि वो वाली झाड़ू यूज़ करने के साथ साथ घिसने लगती है, छोटी होने लगती है, जो कि इसमें तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अगर आप देखें, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी टाइम तक ये झाड़ू चल जाती हैं। ये वाली तो नहीं, हाँ, लेकिन मेरे पास प्लास्टिक की झाड़ू पहले भी थी और वो करीब मेरी 3-4 साल तक चल गई थी। वो लोकल ब्रांड की ही थी और ये तो अच्छे खासे ब्रांड की है, तो आई होप ये काफ़ी अच्छी चलने वाली है। फ़िलहाल इसे यूज़ करते हुए मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं और काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है ये। जिस तरह से इसका कट है और प्लास्टिक की स्टिक्स के आगे छोटे छोटे फाइबर्स भी लगे हुए हैं, उसकी वजह से ये डस्ट को बहुत ही इजीली कलेक्ट करती है, बहुत अच्छे से फ्लोर की क्लीनिंग होती है। और कुछ इस तरह से बटन को पुश करने से ये 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, इसीलिए इसे योगा ब्रूम कहते हैं। तो आप इसे किसी भी पोजिशन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप फर्नीचर के नीचे बिना झुके भी झाड़ू लगा सकते हैं। कई लोगों को नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इसे अपर डायरेक्शन में यूज़ करके आप अलमीरा वगैरह के ऊपर भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, या फिर फैंस को भी आप क्लीन कर सकते हैं। पंखों के ऊपर जो डस्ट जम जाती है उससे आप इस झाड़ू से बड़े ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। और इसी सेम बटन को वापस से पुश करने पर ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, तो यूज़ करना काफ़ी इजी है इसे। वैसे तो इस झाड़ू की लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा लंबा इसे करना है तो इस तरह से इसे रोटेट करके आप इसको आगे खींचेंगे और इसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से आप इसे वापस से टाइट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इस झाड़ू का, क्योंकि कई जगहों पर हमें काफ़ी आगे तक हाथ करके झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन कितना ही लंबा आप हाथ आगे करेंगे तो झाड़ू ही लंबी हो जाएगी, तो सोचिए काम कितना इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो चलिए अब इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करके देखते हैं।
अगर मैं इस झाड़ू को ऑनलाइन ढूंढ पाई तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगी, आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरी वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आसपास की मार्केट में इसे सर्च कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।